बॉलीवुड के परफेक्ट कपल में से एक अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना हर बार कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें बॉलीवुड के आइडियल कपल्स की लिस्ट में शामिल कर देता है। अक्षय अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त परिवार वालों के साथ ही बिताना पसंद करते हैं और खासकर वीकेंड। कुछ ऐसा ही मज़ेदार वीकेंड उन्होंने आज रविवार को भी मनाया। आपको बता दें कि इस रविवार यानी अपनी पत्नी ट्विंकल के साथ राइड पर गए थे और यह राइड कोई ऐसी वैसी राइड नहीं बल्कि रिक्शा राइड थी। जी हाँ, अक्षय बने रिक्शा ड्राइवर और पत्नी ट्विंकल ने इस राइड के खूब मजे लिए। ट्विंकल ने इस राइड की तस्वीर अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की। यही नहीं, ट्विंकल ने बताया कि उनका यह संडे सुबह 4 बजे ही शुरू हो गया था। ट्विंकल ने बताया कि वो सुबह 4 बजे उठ गई थी और पूरे 2.5 घंटों तक अपनी कलम और किताब के साथ बैठी थी। इसके बाद वो अपने डॉग के साथ वॉक पर गई और फिर अक्षय के साथ रिक्शा राइड के लिए भी गई और यह सब कुछ उन्होंने सुबह के 6 बजे से पहले ही कर लिया था। अक्षय अक्सर ट्विंकल के साथ इन छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लेते हुए स्पॉट किए जाते हैं। फिल्मों की बात की जाए तो अक्षय कुमार की जल्दी मूवी रोबोट 2.0 केसरी और गोल्ड में नज़र आने वाले हैं। इससे पहले अक्षय पैडमैन में नज़र आए थे जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।